चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे लेसन 10 हल्दीज एडवेंचर, मतलब हल्दी का साहस या सहयोग बोल सकते हैं। वन मॉर्निंग अस हल्दी वॉक टू स्कूल सी मीट अ जिराफ। द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। एक सुबह जब हल्दी स्कूल गई तो उसकी मुलाकात किससे हुई? एक जिराफ से हुई। जिराफ ने बड़े बड़े चश्मे पहने थे और हाथ में एक किताब रखे हुए था। ही स्माइल्ड एंड साइड गुड मॉर्निंग हल्दी। उसने मुस्कुरा कर कहा गुड मॉर्निंग हल्दी। हल्दी लुकेड अप एट हिम। आई एम सॉरी टू स्टे सी साइड बट आई हैव नेवर मीट अ जिराफ लाइक यू। मुझे घूरने का अफसोस है, उसने कहा, और लेकिन मैं आप जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली। कहा माई नेम इज स्माइली साइड द जिराफ। मेरा नाम स्माइली है, ऐसे जिराफ ने कहा। वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल। हल्दी वॉज सरप्राइज एंड हैप्पी टू। जब भी तुम मुझे देखोगे तुम मुस्कुराओगी। हल्दी ने हैरानी मतलब सरप्राइज मतलब हैरान होना और हैप्पी मतलब खुश, तो वो आश्चर्य भी थी और खुश भी हो गई। आगे देखते हैं। देन शी रिमेम्बर दैट शी वुड बी टेक फॉर स्कूल सो शी शाइड द जिराफ। आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रूज टू स्कूल और आई विल बी लेट। फिर उसे याद आया कि उसे स्कूल के लिए क्या हो रही है, देरी हो रही है, तो उसने जिराफ से कहा मुझे आपसे बात करना अच्छा लगा लेकिन मैं क्या बोल रहे हैं, स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। द जिराफ साइड नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक। If you climb on my back, I will run so fast that you will feel are flying to school. Do you go to school every day? फिर जिराफ ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे पीठ पर सवार होकर यदि तुम मुझे पीठ पर चढ़ाओगे तो मैं इतनी तेज दौड़ूंगा कि तुम्हें लगेगा कि स्कूल जा रहे हो। क्या तुम्हें रोज स्कूल जाते हो? तो फिर हल्दी ने कहा यस आई सेड साइड हल्दी आई गो टू स्कूल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल। हाँ मैं रोज स्कूल जाती हूँ सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को हम गेम खेलते हैं। मतलब कुछ वहाँ मतलब जो स्कूल में जाते हैं तो वहाँ खेल खिलाया जाता है, ऐसा बता रही है। व्हाट डू यू इन स्कूल आस्क द जिराफ। आई लर्न अबाउट द स्टार्स द थ्री द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। दैट इज गुड साइड द जिराफ। आई लव बुक्स टू दे आर लॉट्स ऑफ फन। नाउ जंप ऑन माई बैक आई विल टेक यू टू स्कूल। जिराफ ने पूछा तुम स्कूल में क्या करते हो? जिराफ ने पूछा फिर मुझे सितारों पेड़ों पक्षियों और जानवरों के बारे में पता है, यह अच्छा है। जिराफ ने कहा मुझे किताबें बहुत पसंद हैं, वे बहुत मजेदार हैं। जब तुम मेरी पीठ पर कूदोगे मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। हल्दी ने फिर जिराफ की पीठ पर छलांग लगाई और पाया कि वह ऊपर से इतनी सारी चीजें देख सकती हैं और इससे पहले कि वह नहीं जानती थी। हल्दी जस्ट जंपड एंड जिराफ बैक एंड फाउंड दैट द ही कुड सी मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप। जो ऊपर में थी, जो सारी वस्तुएं ऊपर में थी जिसको वह नीचे से नहीं देख पाती थी, वह जिराफ के पीठ पे बैठने से देख ली। सी क्लाइंबेड डाउन व्हेन शी टर्नड बैक टू थैंक द जिराफ सी फाउंड दैट ही हैड गॉन अवे। ओ हल्दी थॉट्स व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड। फिर हल्दी ने कहा
इससे पहले ये नहीं जानती थी कि वह स्कूल खेल का मैदान पहुंच चुकी है। वह उसे वह नीचे उतर गई। जब वह जिराफ को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ी तो उसने पाया कि वह चली गई है। ओ, हल्दी ने सोचा, मेरे पास एक अद्भुत रोमांच है। ऐसा किसने सोचा? हल्दी ने सोचा। आगे देखते हैं, न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में दिया है सरप्राइज्ड। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित। एडवेंचर मतलब होता है साहसिक। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। स्टार्स मतलब तारे। वेनिवर मतलब जब कभी। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित। एडवेंचर मतलब होता है साहसिक। वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यजनक। स्टार्स मतलब तारे, या फिर सितारे भी बोल सकते हैं। व्हेनेवर मतलब होता है जब कभी। थैंक यू।